मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं विद्यानंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर नारायण कॉलेज गुड़िया कोठी सिवा, इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए बीए पार्ट टू ज्योग्राफी ऑनर्स का प्रैक्टिकल क्लास लेकर के आया हूँ। आज जो क्लास है मेरा वह बोन्स प्रोजेक्शन पर आधारित है। इससे पूर्व भी मैं बोन्स प्रोजेक्शन पर एक क्लास लिया हूँ, यह उसी क्लास का दूसरा भाग है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बोन्स प्रोजेक्शन कैसे पूरी तरह से कंप्लीट बना लेना है, कैसे आप पूरी तरह से इसको बना सकते हैं। इससे पहले के क्लास में मैं आपको बताया था बोन्स प्रोजेक्शन क्या है, बोन्स प्रोजेक्शन की पहचान कैसे हो सकती है, बोन्स प्रोजेक्शन की क्या गुणधर्म है, बोन्स प्रोजेक्शन की क्या उपयोगिता है, और फिर आपको बोन्स प्रोजेक्शन बनाने के लिए प्रश्न दिया था। प्रश्न और प्रश्न के साथ साथ मैं जो है बोन्स प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन बनाने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना होता है, जो कि मैं कंस्ट्रक्शन वर्क भी करके दिया था। यदि आप इससे पूर्व के ऑनलाइन वीडियो क्लास का जो लेक्चर है उसको आप देखेंगे और फिर इसको देखेंगे, दोनों को सम्मिलित रूप से देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो भी संदेह होगा, जो भी आपको डाउट होगा, वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, आज क्लास चालू करने से पहले फिर से मैं प्रश्न को रिपीट कर दूंगा, और ये रिपीट करने के साथ साथ फिर मैं आऊँगा कि कैसे बनाना है। तो मैं प्रश्न दिया था आपको कि दिए गए आंकड़ों की सहायता से बोन प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें स्केल था 1:12,50,00,000, इंटरवल था 15 डिग्री, स्टैंडर्ड पैरेलल था 45 डिग्री नॉर्थ, और इसका एरिया एक्सटेंशन था, लेटिट्यूडनल था 15 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल था 15 डिग्री ईस्ट से 165 डिग्री ईस्ट। फिर इसको बनाने के लिए जो मैं बताया था कि आलेखी विधि से इसको बनाना है, आलेखी विधि में इसको बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला स्केल जो कि आपको दिया हुआ है 1:12,50,00,000, इंटरवल की आवश्यकता होती है, दूसरा वो हो गया 15 डिग्री, फिर स्टैंडर्ड पैरेलल दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, तीसरा चौथा हो गया इसका कि अक्षांशीय विस्तार लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, तो 15 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 75 डिग्री नॉर्थ है। फिर देशांतरीय विस्तार की मैं बात किया था, तो देशांतरीय विस्तार इसका 15 डिग्री ईस्ट से 165 डिग्री ईस्ट है। फिर आपको जो आप बनाएंगे तो उसमें चूंकि पृथ्वी का एक लघुकृत त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो उस लघुकृत त्रिज्या के लिए इसके स्केल का प्रयोग करते हुए हम लघुकृत त्रिज्या निकालते हैं। तो पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या यदि देखा जाए तो वह जो है वह 25 करोड़ इंच में है, और आपका जो यहाँ पर स्केल दिया हुआ है 1:12,50,00,000 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे कि भाई उसमें हम भागा दे देंगे, कितना से, तो 1:12,50,00,000 से भागा देंगे 25 करोड़ में, तो आपको यह कट करके 2 इंच आएगा, यानी कि जो है रेडियस रेडियस यानी कि लघुकृत पृथ्वी का त्रिज्या यहाँ पर 2 इंच आया। अब है कि बनाने के दरमियान आपको सेंट्रल मेरिडियन की आवश्यकता होती है, तो सेंट्रल मेरिडियन भी मैं अब आपको बताया था कि इस तरह से जो है लॉन्गिट्यूड जो दिया हुआ एक्सटेंशन 15 डिग्री से लेकर 165 डिग्री, उसको इस तरह से अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिडिल का जो मान आएगा वही सेंट्रल मेरिडियन होगा, मानक मध्यम रेखा होगा। तो इसमें 90 डिग्री आया था, तो 90 डिग्री यह भी आपको पता चल गया था। इसके बाद फिर मैं आपको इसी के आधार पर कंस्ट्रक्शन वर्क पहले करना पड़ता है, इसके लिए वो कंस्ट्रक्शन वर्क मैं आपको बताया था। कंस्ट्रक्शन वर्क में सबसे पहला काम किया था कि 2 इंच का त्रिज्या लेकर के वृत्त का एक चतुर्थांश बनाया था, जिसका नाम था ए ओ बी, और ये ओ बी चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश को फिर मैं क्या किया था कि 15 डिग्री के अंतराल पर इसको बांट दिया था, और बांटने के बाद फिर उसका मैं नामकरण किया डी सी डी ई एफ जी, इस तरह से इसका डिवीजन कर दिया। और फिर इतना करने के बाद मैं क्या किया कि ई बिंदु पर यानी कि जहाँ 45 डिग्री का मान आ रहा है, चूंकि हमारा जो मानक अक्षांश है वह 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री मानक अक्षांश पर जो वृत्त
का परिधीय क्षेत्र है जहाँ ई बिंदु है, ई पर से मैंने क्या किया कि वृत्त को स्पर्श करते हुए एक लंब खींचा जो कि आगे की ओर बढ़ाया, और वो आगे बढ़ाने के बाद फिर ओ ए रेखा को आगे की ओर बढ़ाते हुए एक जगह मिलाया, जहाँ मिला उसका नाम मैंने पी रखा। और ये पी जब रखा फिर उसके बाद क्या किया कि बी सी चाप को ध्यान में रख करके, या बी सी चाप कहिए या बी आप बी सी आप त्रिज्या कहिए, इस त्रिज्या की मदद से जो चतुर्थांश 2 इंच का मैंने खींचा था वृत्त का, उसमें पुनः एक चतुर्थांश खींचा बी सी को त्रिज्या, बी सी चाप या बी सी त्रिज्या मान करके पुनः एक चतुर्थांश इस वृत्त के अंदर खींचा था। और यह जब खींचा तो फिर ओ ए रेखा पर जो है वह सी रेखा, डी रेखा, ई रेखा, जो ओ सी रेखा है, ओ डी रेखा है, ओ ई रेखा है, ओ एफ है, ओ जी है, इन सारे रेखाओं पर जो छोटा वृत्त बना, चतुर्थांश बना बी सी त्रिज्या से, उस पर फिर जो है ओ ए रेखा पर लंब डालते हुए उस काट से मिलाया, तो इस प्रकार से मुझे प्राप्त हुआ एच एच डैश, आई आई डैश, जे जे डैश, के डैश, एल एल डैश, ये हमें जो है मिल गया। अब इसके बाद जो कार्यक्रम किया, मैं कार्य किया कंस्ट्रक्शन का, वो प्रोजेक्शन पर सीधे सीधे आ गया कि बोर्ड प्रोजेक्शन अब बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपने प्रैक्टिकल शीट पर ऊपर में हेडिंग्स लिख लेंगे, जो हेडिंग होगा आपका, हेडिंग हो जाएगा बोन्स प्रोजेक्शन, और स्केल जो दिया हुआ है स्केल को लिख लेंगे, स्केल 1:12,50,00,000, इतना काम आप कर लेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो सबसे नीचे आप कर लेंगे, और बीच वाला जो हिस्सा बचेगा, बीच वाले हिस्से में आप बोन्स प्रोजेक्शन का जो है वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब बोन्स प्रोजेक्शन का कंस्ट्रक्शन करने का सबसे पहला काम में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले पीई रेखा जो आपने वृत्त का चतुर्थांश बनाया था और 45 डिग्री के मान पर जो है जब लंब डाल करके वृत्त का परिधीय क्षेत्र से आपने खींचा था, तो पीई एक जो है आपको लंबाई मिला था, उस पीई लंबाई को ध्यान में रख करके जो है यहाँ पर कोई भी एक जो है चाप आप खींचेंगे, चाप खींच लेंगे और उसको त्रिज्या मान लेंगे, पीई को त्रिज्या मान करके एक चाप लेकर के इस तरह से एक जो है अर्धवृत्त आप खींच लेंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद आप क्या करेंगे कि पी से जो है सीधी सीधी जो है वो आप नीचे की ओर, यानी कि आप अपने प्रैक्टिकल शीट के किनारे के सेल के समानांतर नीचे की ओर एक लाइन खींचेंगे जो कि एम तक आप खींच देंगे उसको, पी से एम तक। अब जो है पीई लंबाई जहाँ पर होगी, उस पीई लंबाई वाले स्थान में ई वाला जो चाप आपने खींचा, उस चाप पर से आपको क्या करना है कि ऊपर की ओर नीचे की ओर दोनों तरफ बी सी जो आपका वृत्त का चतुर्थांश बना हुआ है उसमें बी सी जो लंबाई चाप है, उस बी सी चाप को अपने डिवाइडर में लेकर के पुनः जो है उसको ई बिंदु से पीई जो पी डैश ई जो आपने रेखा चाप के हिसाब से जो अर्धवृत्त खींचा, उस अर्धवृत्त से नीचे ऊपर दोनों तरफ, उस चाप के नीचे ऊपर दोनों तरफ जो है उतना ही बी सी के इतना चाप लेकर के 2 जगह मानांकित करेंगे, 2 जगह चिन्हित करेंगे। अब 2 जगह चिन्हित करने के बाद फिर क्या करेंगे आप, पी को जो है वह केंद्र मान करके और जो आपने चिन्हित किया वहाँ पर जो है प्रकाल का नोक रख करके जो है फिर चाप खींचते चले जाएंगे नीचे ऊपर, दो दो जो बनेगा 45 डिग्री के नीचे 2, यानी 15 डिग्री 30 डिग्री का जो अक्षांश बना और 60 डिग्री 75 डिग्री का वो आप जो है वहाँ पर चाप खींच लेंगे। इस तरह से चाप जब खींच लेंगे तो इसके बाद अब आगे का काम क्या बचेगा, फिर आप जो पी डैश आपने लिया था वो वास्तविक जो है वो पोल नहीं है, क्योंकि 75 डिग्री के बाद फिर आप देखेंगे उतना ही जितना आपने बी सी का चाप लिया था, जो उतना ही चाप ऊपर लेंगे तो फिर आपको 90 डिग्री वाला मान मिलेगा, और वो 90 डिग्री वाला मान जो होगा वो आपका नॉर्थ पोल को दर्शाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि आपने जो यह मार्क किया, यह अक्षांश के लिए मार्क कर लिया, अब है कि देशांतर रेखा कैसे बनाया जाएगा। तो देशांतर रेखा बनाने के लिए ही आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया था,
वृत्त का चतुर्थांश के अंदर ही 2 इंच का जो त्रिज्या लेकर के फिर आपने वृत्त खींचा था उसके अंदर फिर आप जो है BC त्रिज्या लेकर के चतुर्थांश खींचा था, उसमें आपने जो OC रेखा था उस पर से HH' लिया था। तो ये HH' जो है यह 15 डिग्री के अंतराल पर का जो चाप का जो दो चाप पर जो यानी आप जो यहाँ अक्षांश रेखा बनाए हैं उस अक्षांश रेखा पर इतना ही मार्क लेकर के आपको काटना है, यानी कि वही आपका जो देशांतर रेखा के बीच के 15 डिग्री देशांतर जो अक्षांश रेखा है उस पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी होगा HH'। इसी तरह से 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर II' जो है वो चाप लेकर के आप उस पर कट करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा देशांतर रेखा के बीच की दूरी। उसी तरह से 45 डिग्री के चाप पर जो स्टैंडर्ड पैरेलल है उसमें JJ' चाप अपने प्रकाल में रख करके या फिर डिवाइडर में उतना ही नोक को एडजस्ट करके आप उस पर कट करेंगे तो आपको उस तरह से 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी मिल जाएगी। उसी तरह से 60 डिग्री का अक्षांश रेखा पर जो है आप क्या करेंगे कि 60 डिग्री अक्षांश रेखा पर KK' का जो है वह डिवाइडर में दूरी लेकर के फिर उतना ही 5 भाग में यानी 90 डिग्री जो है वो प्रधान मध्यान रेखा से दोनों तरफ 5 जो है वो अंकित करेंगे, समान दूरी पर चिन्हित करेंगे चाप पर 60 डिग्री का अक्षांश रेखा पर। और फिर इसी तरह से 75 डिग्री वाले पर LL' वाला जो है वो प्रकाल में अपना एडजस्ट करके उसको आप जो है 5 दोनों तरफ मार्क करेंगे। तो इस तरह से आपका जो प्रत्येक 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है उस पर जो है देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबका आपको मिल जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको देशांतर रेखा को स्मूथ लाइन से मिलाना है, इस प्रकार से मिलाना है कि वो सरल रेखा नहीं हो, उसके मान को सभी का मान को एक साथ करते हुए जैसे 15 डिग्री वाला जो देशांतर रेखा है या 30 डिग्री वाला है सबको एक दूसरे जो है सभी अक्षांश रेखा पर उसके मानों को मिलाते हुए स्मूथ लाइन से मिलाना है उसको, यानी कि उसका सबका शेप जो होगा वो कर्व होगा और बाहर की ओर वह निकला हुआ होगा। तो इसको आप जब मिलाएंगे तब आपको प्रोजेक्शन बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है फिर, अब आगे आप इसको मान अंकित कर देंगे। तो सबसे पहले नीचे मान अंकित करेंगे, 15 डिग्री ईस्ट से चालू करेंगे, 15 डिग्री ईस्ट ये किधर होगा तो 90 डिग्री जो प्रधान मध्याह्न रेखा था उसकी बाएं तरफ होगा। तो 15 डिग्री के बाद फिर 30 डिग्री फिर 45 डिग्री फिर 60 डिग्री फिर 75 डिग्री, मिडिल आपका 90 डिग्री है ही। उसके बाद फिर जो है दाहिनी तरफ जाएंगे तो 105 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री और अंतिम वाला हो जाएगा 165 डिग्री ईस्ट। इसी तरह से अक्षांश रेखा का भी मान लिख देंगे। तो नीचे से प्रारंभ करेंगे तो 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री तक एक्सटेंशन है आपका, तो 75 डिग्री नॉर्थ तक लिख करके ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है यह बन करके तैयार हो जाएगा। तो छात्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ऑनलाइन क्लास में आप पूरी तरह से लाभान्वित हुए होंगे और अब आपको किसी प्रकार की जो है समस्या नहीं होगी ये बोन्स प्रोजेक्शन बनाने में। आप इसको कोशिश करेंगे तो ज़रूर बन जाएगा, यदि आपसे नहीं बने तो फिर आप मुझे बताएंगे, मैं फिर से आपके लिए प्रयास करूँगा, फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप इसको समझ जाएँ और बनाएँ, क्योंकि यह आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर से आपसे, नए क्लास के लिए आप तैयार रहेंगे और मैं फिर आपके लिए तैयारी करके फिर आता हूँ, फिर आपके से मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, आप स्वाध्याय करते रहिए और इसको कंप्लीट कीजिए। ओके।